जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीके टॉप 10 क्वेश्चंस के हमारे डेली वीडियो में। तो रोजाना की तरह आज भी हम जीके के टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे, और आप इन क्वेश्चंस का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, रिवीजन के लिए आप पीडीएफ ले सकते हो। तो चलिए बिना समय गवाए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डीआरडीओ दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी। 1 जनवरी को मनाया जाता है डीआरडीओ डे। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 4 जनवरी। तो देखिए, 4 जनवरी को मनाया जाता है लुईस ब्रेल दिवस। लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 9 जनवरी। 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। तो इसी उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रत्येक साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है 10 जनवरी। तो 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, यानी वर्ल्ड हिंदी डे। तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। और अगर नेशनल यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डेट हैं जनवरी के, तो आपको ये सभी को याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन सभी अच्छे हैं, क्वेश्चंस को आपको सभी को कंप्लीट लगाना है, और क्वेश्चंस लगाने के बाद यदि क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे, आपके लिए यूजफुल हो, बेनिफिशियल हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूटर का सबसे प्रारंभिक रूप कौन सा था? तो देखिए, जो इनिशियल रूप था कंप्यूटर का वो गिनतारा के रूप में था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले था गिनतारा। देखिए, कैलकुलेटर से पहले भी गिनतारा रूप था कंप्यूटर का, तो इसीलिए जो सबसे पुराना रूप है वो होगा गिनतारा, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, जैन धर्म की संगीति पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में किसकी अध्यक्षता में हुई? तो देखिए, जो जैन धर्म की संगीति हुई 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, ये स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म की टोटल 2 संगीतियां हुई, एक तो पाटलिपुत्र में और एक वल्लभी गुजरात में। तो जो पाटलिपुत्र में हुई उसकी अध्यक्षता की स्थूलभद्र ने, जबकि जो वल्लभी गुजरात में हुई दूसरी जैन संगति उसका जो अध्यक्षता की वो की समाश्रवण ने। ऑप्शन नंबर बी में दिया है समाश्रवण ने। तो ये 2 संगतियां हैं जैन धर्म की, तो इन दोनों को याद रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी का स्वर्ग किस स्थान को कहते हैं? तो देखिए, यानी पैराडाइज ऑफ अर्थ कहते हैं श्रीनगर को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं श्रीनगर को। ये जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, तो समर राजधानी है श्रीनगर, और जो जम्मू कश्मीर की विंटर राजधानी है वो है जम्मू, और समर राजधानी है श्रीनगर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, मतदान के लिए फोटो युक्त पहचान पत्र कब से शुरू किया गया? तो देखिए, जो फोटो आइडेंटिटी वाला पहचान पत्र है, वोटर कार्ड है, ये 1993 से यूज किया जाने लगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 1993 से मतदान के लिए फोटो युक्त पहचान पत्र का यूज किया जाने लगा। इससे पहले जो वोटर कार्ड होता था वो बिना फोटो वाला होता था। तो जाली मतदान को रोकने और मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए 1993 से फोटो युक्त पहचान पत्र की शुरुआत की गई। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, एसी विद्युत धारा को डीसी में बदलता है। तो आपको बताना है ऑप्शंस में से एसी को डीसी में बदलता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रेक्टिफायर।
रेक्टिफायर विद्युत की एसी धारा को डीसी धारा में बदलता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है ट्रांसफार्मर, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं होगा। जो ट्रांसफार्मर होता है वो एसी धारा को निम्न करता है और उच्च करता है, यानी हाई और लो करता है एसी धारा को। जबकि ऑप्शन नंबर ए में दिया है डायनेमो, ये डायनेमो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर करता है। तो ऑप्शंस एक बार फिर से बता दूं, डायनेमो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, ट्रांसफार्मर एसी की धारा को उच्च हाई और निम्न करता है लो करता है, जबकि रेक्टिफायर है ये विद्युत धारा को एसी को डीसी में ट्रांसफर करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो देखिए जो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है ये कोयंबटूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोयंबटूर तमिलनाडु में है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। तो देखिए गन्ना की बात है तो ये है कोयंबटूर में स्थित। तो सबसे ज्यादा गन्ना जो उत्पादित होता है भारत में वो होता है यूपी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना उत्पादित होता है, जबकि वर्ल्ड वाइड यानी विश्व लेवल पे बात करें तो ब्राजील सबसे ज्यादा गन्ना का प्रोड्यूसर है, उत्पादक देश है। उसके बाद आता है हमारा अपना देश भारत, तो ब्राजील एक नंबर पे है और भारत दो नंबर पे है गन्ने के उत्पादन में। जबकि भारत में बात करें तो यूपी सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, और जो गन्ना अनुसंधान संस्थान है वो कोयंबटूर तमिलनाडु में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए जो बोरलॉग पुरस्कार है ये एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, बोरलॉग पुरस्कार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में सरकारी स्कूल में संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य करने वाला पहला राज्य बना है। तो देखिए जो प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, इसे प्रार्थना सभा में पढ़ना अनिवार्य किया है सबसे पहले महाराष्ट्र ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, महाराष्ट्र सबसे पहले प्रस्तावना को अनिवार्य करने वाला राज्य बना है, तो महाराष्ट्र ने किए हैं। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, जो कि भारत की आर्थिक राजधानी भी है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने हिंदी वर्ड ऑफ 2019 घोषित किया है। तो देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो 2019 का हिंदी वर्ड घोषित किया है, डिक्लेयर किया है, ये है संविधान, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो संविधान जो है वो 2019 का ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ 2019 है संविधान, जबकि ऑप्शन नंबर सी में दिया है आपको कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, ये 2020 का इसका वाक्य है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? लंदन इंग्लैंड में। तो अब देखते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। तो फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, भारत में सबसे खराब शिशु मृत्यु दर किस राज्य की है? तो ऑप्शंस आपको दिए गए थे, करेक्ट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना था और आप सभी का यहाँ पे आंसर सभी का करेक्ट था। तो देखिए जो सबसे खराब शिशु मृत्यु दर है वो मध्य प्रदेश की है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश की है सबसे खराब शिशु मृत्यु दर। तो देखिए मध्य प्रदेश से रिलेटेड हाल ही में कुछ इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं, क्योंकि काफी ज्यादा योजनाएं यहाँ से निकल के आ रही है मध्य प्रदेश से। तो कुछ इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं, किल कोरोना अभियान, जीवन शक्ति योजना और जीवन अमृत योजना, ये दोनों अलग अलग हैं। जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, और एक है FIR आपके द्वार योजना और रोको टोको अभियान, एक मास्क अनेक जिंदगी, ये सभी योजनाएं मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। एक बार फिर बोलता हूँ, किल कोरोना अभियान, जीवन शक्ति योजना और जीवन अमृत योजना, FIR आपके द्वार योजना, रोको टोको अभियान और एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान, ये सभी मध्य प्रदेश से रिलेटेड योजनाएं हैं हाल ही में कोरोना के समय स्टार्ट की हुई। तो मध्य प्रदेश की बात है
तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है शिवराज सिंह चौहान, और राज्यपाल है लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो कि हाल ही में अपॉइंट हुई है। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी है यहाँ की गवर्नर। तो अब देखते हैं आज का आपके लिए क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स, आज का आपके लिए क्वेश्चन है, बार्क कहाँ स्थित है। ऑप्शंस आपको दी गई है, करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल है, यूजफुल है, तो वीडियो को मैक्सिमम शेयर जरूर कीजिएगा, और आप इसका आंसर शीट के साथ PDF भी प्राप्त कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।